मार्केट से कम प्राइस और जो क्वालिटी है वो परफेक्ट सबसे बढ़िया है। और कपड़े का बिजनेस किसी भी बिजनेस की तुलना में इजी बिजनेस है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस करने की रुचि आपकी हो तो उसको एक्स्ट्रा समय में भले ही करें लेकिन उसको करना चाहिए। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्रेंचाइजी बताओ पर। और आज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शूट करने के लिए मैं स्पेशली आया हूँ आगरा। जी हाँ दोस्तों, आगरा में अजमेरा ट्रेंड्स शोरूम की ओपनिंग हुई है और ये ओपनिंग बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि दोस्तों आज यहाँ पर मैं आपको इनके ऑनर से भी मिलाऊंगा, मैं आपको क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। साथ ही साथ आज हमारे साथ अजमेरा ट्रेंड्स के ऑनर, अजमेरा फैशन के ऑनर सूरत से आए हुए हैं, हम इस वीडियो में उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, ये फ्रेंचाइजी क्यों करनी चाहिए। और साथ ही साथ हम देखेंगे आज आगरा के इस पूरे शोरूम को और अजमेरा ट्रेंड्स। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आज पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आगरा में अजमेरा ट्रेंड्स के इस शोरूम की ओपनिंग हुई है। अजमेरा ट्रेंड्स जिनके पास, अगर मैं वुमेन वियर की बात करूँ तो वुमेन वियर की पूरी वेरायटी है। सूरत की एक कंपनी है, अगर सूरत की हम बात करें तो सूरत साड़ियों के लिए जाना जाता है, तो साड़ियां तो यहां पर आपको हर एक वैरायटी की मिलेंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ साड़ियां ही नहीं, साड़ियों के अलावा कुर्ती की बात करें, आप सूट्स की बात करें, आप लहंगे की बात करें, आप अलग अलग तरीके की वुमेन्स वेयर में कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, हर एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अजमेरा ट्रेंड जो सूरत से ऑपरेट कर रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान में इनके 150 के आसपास आउटलेट हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इनके 41 आउटलेट ऑपरेटिव हो चुके हैं और उनमें से ही एक आउटलेट जो है वो है दोस्तों आगरा का ये आउटलेट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगरे का ये आउटलेट जिसमें कि आपको पूरी वैरायटी मिलने वाली है। सबसे पहले हम वैरायटी ही देख लेते हैं क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आखिरकार उस बिजनेस में आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या सर्विसेज मिलने वाली है, पहले ये पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो आज 150 लोग अजमेरा के साथ साइन करके नहीं बैठे होते। जी हाँ दोस्तों, आज जो पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूँ कोने कोने में अगर लोग इस ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, लोग इस बिजनेस को पसंद कर रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ऑनर्स हैं, जो फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। जब वो पैसे नहीं कमाएंगे तो कोई भी ब्रांड इस तरीके से ग्रो नहीं करेगा। तो अगर आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो पहले ये देखिए कि कौन से बिजनेस में लोगों का रुझान है, अजमेरा ट्रेंड्स की तरफ लोगों का रुझान है। यहाँ पर सबसे पहले हम पूरा कवर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रेंज को हम कवर करते हैं। और प्रोडक्ट रेंज कवर करने के लिए हम अंदर से ही चलते हैं, आप बाहर से आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर सूट्स की वैरायटी है, जो 2-पीस 3-पीस सूट्स हैं, सूट्स की आपको पूरी वैरायटी मिलेगी। अजमेरा ट्रेंड जो जाना जाता है ना अपनी क्वालिटी के लिए और क्वालिटी के साथ साथ प्राइसिंग के लिए जाना जाता है। जो परचेज करना चाहते हैं उन्हें सस्ता मिलेगा और साथ ही साथ कपड़ा ऐसा मिलेगा कि वो बार बार पहनेंगे और क्वालिटी तो जानदार होगी ही होगी। अगर आप आपके आसपास अजमेरा ट्रेंड का कोई भी शोरूम है तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। हमारे साथ इस सेल्समैन है, हम इनसे भी एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। सवेरे से बहुत सारे लोग आपसे परचेज करके लेके गए हैं, यहाँ पर आपको क्वालिटी और प्राइस के बारे में क्या बोलेंगे, क्या लोग कह रहे हैं? मार्केट से कम प्राइस और जो क्वालिटी है वो परफेक्ट, सबसे बढ़िया। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये सूट्स आप सेल कर रहे हैं ये सूट्स मार्केट सस्ते हैं? हाँ जी सस्ते हैं और कस्टमर पसंद कर रहा है, फैब्रिक देख के बहुत, मतलब जो एक की बदली दो ले रहा है क्योंकि उनका जो बजट है उस बजट में एक की जगह दो आ जा रहे हैं तो लोग दो लेके जा रहे हैं। यही तो फायदा है अजमेरा ट्रेंड में। और ऐसा नहीं है कि सस्ता बेचने के बाद फ्रेंचाइजी कमाता नहीं है, सस्ता बेचकर भी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा कमाता है। तो पहली वैरायटी तो सूट्स की हो गई, आइए हम आगे चलते हैं। आगे आप जाएंगे तो ये साड़ीज की वैरायटी आ जाएगी, पूरी साड़ी की वैरायटी आ जाएगी। साड़ी आप देख रहे हैं कि आपको हर एक तरीके की मिली साड़ी मिलेगी यहाँ पर। साड़ी के अलावा आपको कुर्ती भी मिलेगी, बच्चों की ड्रेस भी मिलेगी यहाँ पर, बच्चों की ड्रेस भी है, इसके अलावा जीन्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप थोड़ा आगे आएंगे। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट है आप भी बताइए सर यहाँ पर? लहंगा है अपने पास, लांचा है, दुल्हन के लिए लहंगा है, ओके, पेटीकोट, ब्लाउज, एक्सेसरीज भी अवेलेबल है सारी। हाँ जी, ट्राउजर वगैरह सब मिलेगा, लेडीज का फुल आइटम है अपने पास। तो ये यहाँ पर सारी की सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है। आइए, मुझे 40 साल का कपड़े का अनुभव है
40 साल से जी हाँ, और जो मैंने यहाँ पे देखी वेराइटीज बहुत बढ़िया वेराइटीज, रेट कम और क्वालिटी बहुत परफेक्ट। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो 40 साल से कपड़े के बिजनेस में हैं, आज यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इन्होंने हमें बताया कि बहुत जगह इन्होंने प्रोडक्ट देखा होगा, अजमेरा का प्रोडक्ट सस्ता भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, और सबसे खास बात वेराइटी। चलो सस्ता भी हो क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन ग्राहक आए उसको पसंद ही ना आए तो फायदा क्या। यहाँ पर आपको वैरायटी भी मिलने वाली है, आप जब कैमरा में आपको पूरे चारों तरफ घुमा के देखूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वैरायटी भी मिलने वाली है। एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या और प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर जब आप इस तरफ आओगे तो आपको ब्राइडल साड़ीज भी मिलेंगी, ब्राइडल लहंगाज भी मिलेंगे, और एसेसरीज भी आपको पूरी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको क्या क्या वैरायटी मिलने वाली है। अब हमारे साथ चूंकि आज ओपनिंग हुई है, आज अजमेरा फैशन के ओनर अजय अजमेरा जी यहाँ पर हैं, साथ ही साथ इस फ्रेंचाइजी के ओनर भी हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी ओनर से और कंपनी ओनर से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, कौन कौन से फ्रेंचाइजी मॉडल है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग अजय अजमेरा जी से बात करते हैं, निगम ब्रदर्स से बात करते हैं, जिन्होंने ये शोरूम आगरा में ओपन किया है, उसके बाद बात करेंगे ये फ्रेंचाइजी आपको कैसे मिलेगी। तो आइए बातचीत करते हैं। तो दोस्तों आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां आज अजमेरा ट्रेंड्स की धमक हो रही है, तो आपके दिल्ली के पास आगरा शहर में भी अजमेरा ट्रेंड्स का ये नया शोरूम खुला है, जहां पर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा निगम ब्रदर्स को, धीरेश जी को और सुनील जी को जो ऑनर है यहां पर। और साथ ही साथ बड़े खास बात आज यहां पर क्यों है, क्योंकि आज आगरा के इस शोरूम की ओपनिंग में अजमेरा ट्रेंड्स के फाउंडर डायरेक्टर खुद अजय अजमेरा जी उपलब्ध हैं। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आगरा में अजमेरा ट्रेंड्स ने अपनी धूम मचाई है। सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूंगा कि साड़ी का बिजनेस या फिर हम कहें वुमेन वियर का बिजनेस आज हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग अजमेरा के नाम से जानते हैं, तो इस उपलब्धि के पीछे राज क्या है सर? तो राज हमारे सुनील भाई, सबसे पहले तो बधाई दे दूं। सुनील भैया बहुत बहुत बधाई। देखो वीरेश जी को कहना चाहूंगा स्पेशली कि ऐसे बड़े भाई सबको दे दे। देखिए सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अपने छोटे भाई को बड़ा शोरूम बना के दिया है, इतनी खूबसूरत दुकान बना के दी है, इतना बढ़िया डेकोरेशन, इतना बढ़िया फर्नीचर बना के, और फ्रेंचाइजी पे फिर अजमेरा फैशन लगा दिया है, तो चार चांद लग गए हैं। अपने छोटे भाई के लिए करके दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। आजकल भाई का भाई भी जो है सब समझते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की आपको बधाई दूंगा सर, क्योंकि ना सोमवार अच्छा, ना मंगलवार, ना शनिवार, सबसे अच्छा परिवार। बाबूजी पीछे खड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप बाबूजी आइए, आगे आइए। आप पिछले लगभग चार पीढ़ियों से सर सरकारी विभाग में काम करते आए हैं, सब बाबूजी भी, दादाजी भी, ताऊजी भी यही हैं, और सुनील भैया भी। इन्होंने अपने छोटे भाई को लेकर के पहली बार कि हम बिजनेस की ओर अग्रसर हो जाएं, ऐसा इन्होंने सोचा है। और ये सोचा इन्होंने, कोई हमारा वीडियो कहीं से नज़र आ गया होगा भाई साहब को, और उन्होंने उसको देख के ये सोचा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको सर, आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हाँ, रहा कपड़े का सवाल, तो सर ये फ्यूचर देखिए, पास्ट भी इसी का था, वर्तमान भी इसी का है, और फ्यूचर भी इसी का रहने वाला है। हिंदुस्तान की अगर बात करें हम, तो 140 करोड़ ग्राहक है सर, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उन पर डिपेंड है सर, है ना? क्योंकि कपड़ा एक ऐसी नीड है, ऐसी ज़रूरत है, जो हमेशा एक सेकंड आदमी नहीं रह सकता है कपड़े के बगैर, एक सेकंड। तो ये जरूरत रहेगी। आज तो फैशन से जुड़ गया है भाई साहब, है ना? एक बार अगर औरत साड़ी लेके जाती है और एक सेल्फी हो गई फंक्शन के अंदर, तो फिर दूसरी चाहिए। भाभी जी लोग सब खड़े हैं यहाँ पे, हमारी माताएं बहनें सब यहाँ पे खड़ी हैं, वो सबको पूछ लीजिए, भले एक फोटो हो गई तो फिर दूसरी फोटो उसमें नहीं चलेगी, नया फंक्शन में नहीं साड़ी चाहिए। तो ये बिजनेस जो है आने वाले समय में भी, पीछे जो गया है समय और आज जो चल रहा है, हमेशा चलते रहने वाला है। सर मुझे जो लगता है, मैंने अजमेरा ट्रेंड्स को काफ़ी समय से मैं कवर भी कर रहा हूँ, मैं सूरत भी आया था आपसे मिलने के लिए जी, और इसके अलावा पूर्णिया और बहुत सारे अलग अलग जगह पर, मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने में जो आपके शोरूम खुल रहे हैं, जब मैं ग्राहकों से बात करता हूँ, फ्रेंचाइजी ओनर से बात करता हूँ, तो मुझे सबसे जो मजबूत चीज़ मिलती है आपके इस ब्रांड के अंदर, कम कीमत में बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन प्रोडक्ट्स, तो आखिरकार ये अजमेरा फैशन ये कैसे कर पाता है? सर जो आपने बोला कोने कोने में, लगभग
एक साल से हमने फ्रेंचाइजी स्टोर देना स्टार्ट किया सर। पहले खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन से, हमें आइडिया नहीं है। हाँ जी। खुद एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर रिटेल करके कि भाई कैसे रिटेल होता है। हाँ जी। फिर हमने एक साल से ये देना स्टार्ट किया और एक साल में लगभग 145 आउटलेट्स फाइनल हो चुके हैं। उसमें से आज सुनील जी 41वें आउटलेट के ओनर वीरेन भाई को बना रहे हैं, वीरेश भाई को। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा आंकड़ा है, 4-1-5 का। बहुत बढ़िया। बाबू जी का आशीर्वाद और ये इन पे बना रहे, ऐसी हमारी दुआ है सर। क्वालिटी को बहुत कमांड रखते हैं सर। हर एरिया वाइज टेस्ट का नॉलेज है, हर चीज़ का डीपली अंदर तक जाके उसको रिसर्च करते हैं, तब जाके एक एरिया में, कहाँ, जहाँ आगरा में आज स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बिकने वाला है, इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं। क्वालिटी तो हमेशा मेंटेन करते हैं। मेरा अगला सवाल भी यही होने वाला था, हिंदुस्तान में जहाँ 100 किलोमीटर में वानी और पानी दोनों बदल जाता चेंज है, जाते हैं, डिजाइन चेंज हो जाती है, पसंद चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर सबसे खास बात कि आप महिला से जुड़ा हुआ एक बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको खुश रखना और उनके उनके पसंद के डिजाइन देना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, तो इस चुनौती का सामना आप कैसे करते हैं? यही तो सूरत की खूबसूरती है सर। सबसे बड़ी चीज, सूरत ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब है सर, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट बनता है। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, आज हम ही लोग हैं 32+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं सर। ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट वहाँ पे मिलता है। एक मील के अंदर छपता है साउथ का, एक मील के अंदर तमिलनाडु का, एक मील के अंदर छपता है राजस्थान का, एक मील के अंदर छपता है यूपी का, तो ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट वहाँ पे छपता है और उसी में मास्टरी करके हम लोग तैयार करके प्रोडक्ट देते हैं, क्वालिटी देते हैं, तब जाके हर जगह। आज बिहार के अंदर लगभग 40 आउटलेट फाइनल हुए हैं सर, खाली बिहार के, यूपी के अंदर कम से कम 20 आउटलेट फाइनल हैं सर। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम टेस्ट वाइज कमांड अपनी पूरी रखें, क्वालिटी वाइज कमांड अपनी पूरी रखें, तो ही ये हो पाता है। सर आज आप हमारे साथ हैं तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो भी इस बिजनेस में आना चाह रहे होंगे। मैं पूरी जानकारी आपको आगे दे दूंगा किस तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे कि आखिरकार जब कोई अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी लेता है तो अजमेरा फैशन उसकी किस तरीके से हेल्प और सपोर्ट करता है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुनील जी और वीरेश जी यहाँ अवेलेबल है। सुनील जी आप, मैं कहूँगा इनके मुख से ही आप सुने कि हमने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से आप पहुंचे, सारी चीज यही बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर आप प्लीज थोड़ा सा रोशनी डालें कि जब आपने अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी फाइनल की, वहां से लेके आज तक का सफर आपका कैसा रहा? सर को नमस्कार, प्रणाम जी। जी हाँ सर, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मेरे पिताजी अभी कुछ समय पहले सर्विस से सेवानिवृत्त होकर घर आए, मेरे छोटे भाई भी थे, उन्हें भी किसी काम की तलाश थी, तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ सर्च करता रहता था। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बात होती थी, कई प्लान बने कई बिगड़े, और फाइनली वीडियो में सर्च कर रहा था, मुझे कहीं जाके अजमेरा नाम कहीं आया, फिर मैं थोड़ा सा डीपली उसमें अंदर गया, फिर धीरे धीरे मैंने नंबर जो आपके उस पर चलते हैं वो मैंने लिए, फिर इनसे कांटेक्ट किया, फिर इनकी जो टीम है उन्होंने धीरे धीरे सपोर्ट किया, फिर जैसे जैसे ये बताते गए हम उस पर चलते गए, आज इस मुकाम पर हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है आज? एक बहुत शानदार आपने शोरूम यहाँ पर ओपनिंग की है और मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स पूरा भरा हुआ है, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, कैसा फील हो रहा है अंदर? सर ऐसा फ्रेंचाइजी का जहाँ अजमेरा जैसा टैग मिल जाए उसका ओनर बनके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सर हम देखते हैं कि जगह जगह बिजनेस ओपन होते हैं, फ्रेंचाइजी ओपन होते हैं और वहाँ के फाउंडर डायरेक्टर बहुत जल्दी से जाते नहीं हैं। आज आपके साथ अजय अजमेरा जी खुद हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कुछ शब्द अपने सर? हाँ सर, ये इत्तफाक है सर को कहीं का भी हर जगह का ओपन कराने का मौका नहीं मिलता है सर, रियल बता रहा हूँ। जब मेरी इस उसके लिए एक चीफ गेस्ट के लिए बात चल रही थी, उधर से नितिन भाई हैं, वो उन्होंने मुझे कॉल किया, सर आपका चीफ गेस्ट कौन है? मैसेज किया, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ऑफिस से आ रहा था, मैंने बाइक में मेरे साथ ही है, मैंने बोला लिख के भेज दो अजमेरा सर और वो ही मैंने भेज दिया, और वो थोड़ा मुस्कुराया, बोले नहीं सर इसके अलावा बताइए। मैंने मुझे समय दीजिए मैं बताऊंगा सर। 3-4 दिन निकल गए मेरे भी, उसमें सर से भी मेरी बात हुई थी, सर ने अपना जो शेड्यूल है कहीं शायद गोवा के गोवा में बताया था कि मैं गोवा में थोड़ा मेरा कोई प्लान है, प्रोग्राम है, मैं वहाँ हूँ। फिर बोले ठीक है, ये जो नितिन जी देखते हैं कि उनसे बात कर लीजिए,
तीन चार दिन हो गए, कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर नेक्स्ट टाइम एक हमारे भाई हैं, क्या नाम है इनका, हमारे इटावा वाले गौतम भाई, दो मिनट पहले मेरी उनसे बात हुई, भैया क्या हुआ सर, आ रहे हैं? मैंने कि सर का तो ऐसे ऐसे सर ये बोल रहे हैं। फिर उनसे मेरी तो बोले भैया क्या सोचा आपने? मैंने भैया अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, आप एक काम कीजिए, ये सब कुछ हमारी 17 तारीख जो आज की ओपनिंग डेट है ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी और सारा हमारा काम स्टेशनरी वगैरह सब छप चुका था। बोले सर के ऊपर छोड़ दो, सर के ऊपर छोड़ दो। मैंने इधर से मैसेज कर दिया, जब सर के शेड्यूल में टाइम हो, जब सर इसकी ओपनिंग कर लें, करेंगे सर ही करेंगे सर, हो सकता है वो उन सर के आस पास ही हों। सर रुकिए मैं सर से बात कर रहा हूँ। उधर से मैसेज आता है, सर आपका 99% कन्फर्म है। मैंने सर 99 हो गए, इसे 100 में भी बदल दीजिए। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, आपका 100% डन है, आप तैयारी कीजिए। प्रेम सर का इतना है, मेरे को तो परिवार जब आपस में इतना घुल मिल के कोई भी काम करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। संयुक्त परिवार का एक अपना ही वो है, जब यहाँ आया हूँ तो और ज्यादा खुशी होगी। ये प्रेम मेरे प्रति ही नहीं है, इनका अपने परिवार के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, सबके प्रति इनका प्रेम है। तो ऐसी जगह जाऊँगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं भी सीख के आऊँगा सर, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। तब मुझे बताया नितिन ने कि ऐसे ऐसे पूरी फैमिली साथ में है, सब लोग हैं, भैया तो खुद तो सर्विस करते हैं सरकारी विभाग में, लेकिन अपने छोटे भाई को करवा रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगा नहीं जाने ही चाहिए। और वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनील जी, वीरेश भैया बहुत अच्छा लग रहा है, अंकल जी आप लोगों को साथ देखकर, पूरे परिवार को साथ देखकर, और इतना अच्छा इतना सुंदर स्टोर आपने बनाया है, बहुत खुशी हो रही है। सर आपकी मेहरबानी सर। नहीं नहीं सर, सब आपकी मेहनत है। एक छोटा सा सवाल सर मैं आपसे और लेना चाहूँगा सर, कि बहुत सारे लोग साड़ी के बिजनेस में, इस बिजनेस में आना चाहते हैं सर, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, इस बिजनेस में क्यों आए सर? सर बिजनेस देखिए, नौकरी का मैं एक कहता हूँ, सरकारी नौकरी में है भाई साहब, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, पूरा परिवार सरकारी नौकरी में है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस जो है ना, आज अंकल जी रिटायर होके आए हैं तो वीरेश भाई को फिर से जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, अंकल जी अपनी सीट नहीं दे सकते हैं इनको, नौकरी का एक ही है, लेकिन बिजनेस जब वीरेश भाई यहाँ से निकल के जाएंगे, कुर्सी अपनी छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अपने बच्चे को उस कुर्सी पे बिठा सकते हैं सर। ये नौकरी और बिजनेस का फर्क है, ये हमेशा मैंने कहा है, आप सरकारी कर रहे हैं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, नौकरी को मत छोड़िए, लेकिन बिजनेस की जो ताकत है ना, सरकारी नौकरी आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन आपकी इच्छाएं, आपके सपने अगर पूरे करने हैं तो वो बिजनेस ही कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बस इसीलिए मैं कहता हूँ, बिजनेस से अपने आप को जोड़िए। भैया ने वो सरकारी नौकरी करते हुए अपने छोटे भाई को करवाया है, ये एक तरीका है सर बिजनेस की ओर अग्रसर होने का। जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा और काम कर ली, तो बस यही एक मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस करने की रुचि आपकी हो तो उसको एक्स्ट्रा समय में भले करें, लेकिन उसको करना चाहिए। और कपड़े का बिजनेस किसी भी बिजनेस की तुलना में इजी बिजनेस है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। मेरे जैसा 11वीं पास पहले मैं 11वीं पास बोलता था, लेकिन 12th फेल जब से हिट हो गई है तो अपने आप को 12th फेल बोलने लग गया हूँ। जब मेरे जैसा आदमी इस मुकाम पे पहुंच सकता है तो ये कपड़े के बिजनेस की खूबसूरती है, टेक्सटाइल बिजनेस की खूबसूरती है, जिसने ये मुकाम मुझे दिया है। और आज सर भी इस मुकाम पे भाइयों के साथ खड़े हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को भी कपड़े के बिजनेस में रुचि है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, सूरत में संपर्क कर सकता है, नंबर आपको दे दिए जाएंगे अजमेरा ट्रेंड्स के। मैंने गुजरात में बहुत सारे लोगों से सुना है, बिजनेस छोटा भले ही हो लेकिन अपना होना चाहिए, और इसी कड़ी में आगे चलते हुए अजमेरा आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम है वुमेन्स वियर में, और एक के बाद एक हर जगह अजमेरा ट्रेंड्स के शोरूम इस तरीके से ओपन होते जा रहे हैं। आज जैसे निगम ब्रदर्स ने किया, इनका पूरा परिवार साथ है, आज अजमेरा जी जो कर रहे हैं वो मिसाल है हजारों महिलाओं को। मैं रुकूंगा आपको यहाँ पे, हम लोगों ने शायद रास्ता रोक रखा है, बहुत सारे हमारे भाई बहन कस्टमर सब खड़े हैं, तो हमारी बातें तो चलती रहेगी, आप लोग अंदर आ जाए प्लीज, आ जाइए, आ जाइए,
तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करने लगे और वीडियो शूट के दौरान पीछे पूरी भीड़ लग गई। अजमेरा का जो नाम है, आज अजमेरा का नाम लोगों में इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर आपको जब मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा क्वालिटी तो मिलती है लेकिन ऐसे कीमत में मिलती है आपको ऐसा लगेगा सीधा फैक्ट्री से परचेज कर रहे हो। और इसी वजह से अजमेरा ट्रेंड्स के शोरूम हर जगह इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसको सफल बनाने के पीछे सबसे बड़ा नाम है वो है अजय अजमेरा जी और आज इनका आशीर्वाद मिल रहा है निगम ब्रदर्स को, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक के बाद दो, दो के बाद चार, इसी तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाते रहें और बिजनेस में बहुत तरक्की करो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं है, ये सफलता निगम ब्रदर्स की, हमारे व्यूअर्स की और इनके प्यार की है सर। सब इतना प्यार देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं और इतना विश्वास दिखाते हैं सर, उस विश्वास का ही ये नतीजा है सर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ निगम ब्रदर्स का भी, धन्यवाद आपका भी सर, पिताजी का भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये एक स्टोर जो हमें बुलंदियों पर लेके जाना है, एक ऐसे स्टोर की नींव आज आपने डाल दी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी आप भी आए इसके लिए, आपने बुलाया सर आज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तहे दिल से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम आगरा में आज अजमेरा ट्रेंड्स की ओपनिंग डे पर आए हैं और हमारे साथ जो इस शोरूम के ऑनर हैं उनके बड़े ब्रदर अवेलेबल हैं, तो आज इनसे भी जानना चाहेंगे कि आगरा में आपने इतना शानदार अजमेरा ट्रेंड्स का जो शोरूम स्टार्ट किया है तो आपको कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक अजमेरा जैसे ट्रेंड का ओनर होना एक अपने आप में अलग ही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब आपने कोई बिजनेस करने की सोची, जैसे कि मुझे पता है कि आप एक जॉब बैकग्राउंड से हैं, आप नौकरी बैकग्राउंड से हैं, ये मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी है हाँ, जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई गवर्नमेंट जॉब पे ही हैं आप लगातार, तो वहाँ से आपने जब बिजनेस करने की सोची तो आपने अजमेरा ट्रेंड क्यों चुना? सर इस दौर में कई कामों के लिए सर्च कर रहे थे कि कोई कुछ बेटर मिले, कुछ बेटर मिले, हाँ जी, यूट्यूब वगैरह पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये अजमेरा ट्रेंड्स का एक नाम आगे आया। इससे पहले भी हमने कई जॉबों के बारे में सोचा, उसकी तैयारी भी की, लेकिन हमें उससे ये काफ़ी बेटर लगा। फिर तो इसकी थोड़ी सी अंदर तह तक गए तो हमने देखा कि बहुत ये आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है और हमारे एक स्टैंडर्ड से भी है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसको देखते हुए, पढ़े लिखे छोटे भाई हैं उनको देखते हुए मैंने कहा ठीक है। आपको क्या लगता है आज ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे होंगे, तो जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, जो वुमेन वियर बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए ये संदेश है कि थोड़ा सा मेहनत है, बिजनेस बहुत अच्छा है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आज के समय पर लगभग सबकी नीड है, कपड़ा सबकी नीड है, सबको ही चाहिए, तो एक अजमेरा जैसा ब्रांड सबको मिले ये बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर इस शोरूम के लिए और आप तरक्की करें सर, बस यही शुभकामना करूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने बातचीत की अजय अजमेरा जी से, सुनील निगम जी से, सांसद हिरेश निगम जी से, जिन्होंने बताया कि आखिरकार इन्होंने किस तरीके से अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी फाइनलाइज की। साथ ही साथ अजय अजमेरा जी ने बताया किस तरीके से आप साड़ी के बिजनेस में एक सफल करियर बना सकते हैं, क्यों आखिरकार अजमेरा ट्रेंड्स कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतना प्रचलित है, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं इस ब्रांड को। अब आप जानना चाहेंगे कि आप भी खोलना चाहते हैं ये बिजनेस तो कितने में स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कपड़े का शोरूम है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा शोरूम है, इंटीरियर में कितना ज्यादा खर्च होता होगा, तो करोड़ों रुपए लग जाते होंगे ऐसा शोरूम स्टार्ट करने के लिए। तो जी नहीं दोस्तों, अजमेरा ट्रेंड्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है इनका फ्रेंचाइजी ओनर बनने की मात्र 12.5 लाख रुपए से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 12.5 लाख रुपए हैं, 250 स्क्वायर फीट की जगह किसी ऐसे मार्केट प्लेस में है जहाँ फुटफॉल हो, तो वहां पर आप अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, 250 से 300 स्क्वायर फीट की जगह एक अच्छी लोकेशन पे हो जहाँ फुटफॉल भी हो। दूसरा, वहां पर आपको केवल और केवल साड़ी की फ्रेंचाइजी मिलेगी, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ साड़ी मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों 12.5 लाख रुपए में 1.5 लाख प्लस जीएसटी कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस है, ओपनिंग डे का खर्चा है, इंटीरियर का खर्चा है जो 4-5 लाख रुपए आ जाता है, उसके बाद स्टॉक भी आएगा 5 लाख रुपए का, इसलिए आपको 12.5 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ साड़ी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन उसके प्रोडक्ट्स में इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि कोई भी साड़ी लेने आएगा तो वापस नहीं जाएगा, बल्कि एक की जगह दो लेकर जाएगा। अब दूसरा जो इनका मॉडल है, बी मॉडल जो बोलते हैं, दूसरा जो इनका मॉडल है वो है 25 से 26 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 25 लाख से ऊपर का मॉडल है जिसमें कि आपको 500 से 600 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, 600 स्क्वायर फीट से जितनी भी बड़ी जगह चल जाएगी, वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 25 लाख से ऊपर है।
26 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना बड़ा है, उसमें इंटीरियर में कितना खर्चा आ रहा है। लेकिन वहां पर आपको साड़ी भी मिलेगी, लहंगा भी मिलेगा, सूट्स भी मिलेंगे, आपको कुर्ती भी मिलेगी, आपको वुमेन्स वेयर की पूरी वैरायटी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अजमेरा ट्रेंड का पूरी वैरायटी आपको मिलेगी। ये आपको मिलता है 25 से 26 लाख रुपए में। लेकिन अगर आप इस तरीके का एक ग्रैंड पूरा बड़ा शोरूम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 900 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, 56-57 लाख रुपए होने चाहिए, मतलब 55 लाख रुपए से ऊपर होने चाहिए। वहां पर आपको पूरी वैरायटी मिलेगी, जो मैंने आपको बताया कि आपको वुमेन्स वेयर की पूरी वैरायटी तो मिलेगी, साथ साथ में बच्चों की भी वैरायटी मिलेगी, किड्स वियर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, किड्स वियर भी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ किड्स वियर भी आपको 57-58 लाख रुपए में जब आप जुड़ेंगे तो किड्स वियर भी मिलेगा। अब किड्स वियर की खास बात पता है क्या है दोस्तों? पेरेंट्स अपने लिए कुछ खरीदे ना खरीदे, लेकिन बच्चों को लिए तो उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो क्या है, उनका इमोशन है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, हर छोटी से छोटे फंक्शन में, सेलिब्रेशन में उन्हें नया कपड़ा पहनाना चाहते हैं। दूसरा दोस्तों, बच्चे बड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कपड़े छोटे हो गए, कपड़े कभी छोटे नहीं होते, हमेशा बच्चे बड़े होते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें नए कपड़े चाहिए होते हैं, इसीलिए बच्चों के कपड़ों का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है। और अजमेरा ट्रेंड्स भी इस बात को भली बात ही समझता है। तो अगर आप इनकी फुल फ्लेज फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वहां पर आपको पूरी की पूरी वैरायटी मिलती है, जैसे कि वैरायटी आगरा के इस शोरूम में है। अब यहां पर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट तो बता दिया, यहां पर लोग प्रॉफिटेबिलिटी भी चाह रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप कॉल कर लीजिए, नीचे आपको नंबर दे दिया गया है, आप सीधा अजमेरा ट्रेंड्स को कॉल करिए, बातचीत करिए। यहां पर आपको चाहिए क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर आप साड़ी सिर्फ और सिर्फ साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ 2 से 3 लोगों से भी आप इस बिजनेस को चला सकते हैं। एक मैनेजर होना चाहिए और 2 सेल्समैन होंगे तो भी चल जाएगा। अगर आप 25 से 26 लाख वाला मॉडल जाते हैं जहां पर पूरी वैरायटी है, वहां पर आपको 2 से 3 सेल्समैन चाहिए और एक मैनेजर चाहिए, उससे आपका बिजनेस आसानी से चल जाएगा। उसके अलावा इस बिजनेस में कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से अगर आप इनका फुल फ्लेजेड मॉडल लेते हैं, वहां पर आपको सेल्समैन 4 से 5 चाहिए होंगे, क्योंकि इस तरीके से अलग अलग काउंटर्स बनेंगे। जैसे काउंटर्स आप यहां देख रहे हैं, अलग अलग काउंटर बनेंगे और हर एक काउंटर पर आपको एक स्पेसिफिक सेल्समैन चाहिएगा जिसको कि उनके प्रोडक्ट रेंज की पूरी जानकारी हो। क्योंकि जितनी जानकारी हमें आपको नहीं है, जब कोई लेडीज, जब कोई महिला प्रोडक्ट परचेज करने आएगी तो उसे पूरी जानकारी होगी कि आखिरकार कौन से कलर की साड़ी चाहिए, कौन सी वैरायटी की साड़ी चाहिए, उसमें आपको डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो इसलिए जब आप ऐसे लोग रखेंगे जिनको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी है तो वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से वहां पर सेल्स हो पाएगी। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस है ये बिजनेस एवरलास्टिंग बिजनेस है। फैशन का बिजनेस वैसे भी जब से हम लोग डिजिटल दुनिया में आए हैं, जब से हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक की दुनिया में आए हैं, सेल्फी की दुनिया में आए हैं, तब से ये बिजनेस और तेजी से आगे बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हम एक ड्रेस पहनते हैं, उसे सेल्फी लेकर हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उसके बाद लगता है आपको कुछ नया चाहिए। तो नया चाहिए तो कहाँ जाइए, नया चाहिए तो अजमेरा ट्रेंड में आइए, जहाँ पर आपको पूरी वैरायटी मिलेगी। और यहाँ पर आपको सिर्फ वैरायटी नहीं बल्कि अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों ये बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट की और आप इसमें हमेशा कमाते रहिए, हमेशा आप इससे प्रॉफिट लेते रहिए। अजमेरा ट्रेंड्स जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में हर जगह लोग इनको पसंद कर रहे हैं, और पसंद करने की वजह भी यही है कि यहाँ पर आपको सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेने की फाइनलाइज करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि अजमेरा ट्रेंड की फ्रेंचाइजी मुझे लेनी है, तो वहाँ से अजमेरा ट्रेंड्स के मैनेजर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से साइट सेलेक्शन करना है, किस तरीके से इंटीरियर करना है, कौन सा माल आपके पास आना चाहिए। हिंदुस्तान में जैसे कि अजमेरा सर ने बताया कि वानी और पानी बदल जाता है, लोगों की पसंद बदल जाती है, तो वो ये देखते हैं कि आखिरकार आपको क्या विशेष चाहिए, क्या डिजाइन आपके शहर में लोगों को पसंद आएगा, वही माल आपको भेजा जाता है जो आपके शहर में लोगों की पसंद हो। इस चीज का विशेष ख्याल सूरत के व्यापारी रखते हैं और विशेषकर अजमेरा ट्रेंड्स रखता है। तो आपको हमेशा फायदा होना है जब भी आप अजमेरा ट्रेंड्स के किसी भी शोरूम में आएंगे। तो अजमेरा ट्रेंड्स का शोरूम अगर आप अपने शहर में शुरू करना चाहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दी गई है, आप जुड़िए और जानिए कि किस तरीके से आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। आप देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल। जय हिंद, जय भारत।